ऐसे में एक सवाल ये भी कि आखिर मेरिट लिस्ट का आधार क्या होगा, क्योंकि क्या इस आधार के तहत भी हम चयन करेंगे कि किन लोगों को सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में दिया जाए जगह, किन लोगों का जूनियर सेकेंडरी स्कूल में होता है शिक्षक के तौर पर, आखिर इस मेरिट का आधार क्या कुछ रखा जाएगा? नहीं, वो तो शिक्षक पात्रता परीक्षा जिसको हम लोग TET या STET कहते हैं, उसमें जो उनके अंक आते हैं, उनके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है, वो तो एक निर्धारित प्रक्रिया है, स्थापित प्रक्रिया है, वो हमारे अभ्यर्थियों को पता है और वो भी पूरे पारदर्शी तरीके से होता है और सब लोगों को मालूम है। और जैसा कि हमने कहा कि हम लोग जहाँ भी हमारे अलग अलग नियुक्ति की इकाइयां हैं, जिसको हम नियुक्ति प्राधिकार कहते हैं, रिक्रूटमेंट अथॉरिटी कहते हैं, क्योंकि इसमें पंचायती राज संस्थाओं को भी हम लोगों ने ताकतवर बनाया है, उनके स्तर से नियुक्तियां होती हैं, तो उनके यहां से अलग अलग इकाई के हिसाब से फिर सब लोग आवेदन लेके मेरिट लिस्ट बनाते हैं। और पिछले समय तक जो हमारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती थी कि सब जगह उसमें आवेदन देना पड़ता था, हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए अब सेंट्रलाइज्ड भी सिस्टम किया है और समेकित मेरिट लिस्ट बना के जो मेरिट में ऊपर होंगे उनके चॉइस का विद्यालय मिल जाएगा, इसलिए वो पूरी व्यवस्था पारदर्शी तरीके से होती है।